filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to Yola 247, a place of fun, indulgence, and endless surprise. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तो लंबे लंबे गाने थे, ये हुआ क्या? देखिए, हुआ ये कि अमेरिका जो है, एक तो अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी अलाय है नहीं, और एक दिन अमेरिका अचानक अपना हाथ ऐसे पीछे खींचेगा कि अब धड़ाम से जमीन पे गिरेंगे। चढ़ गया ज़ेलेंस्की सूली पर, पीछे देखा अमेरिका गायब। अमेरिका ने कुछ समय तक पैसे तो दिए यूक्रेन को, लेकिन धीरे 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 वो पैसे कम करता चला गया। आज की तारीख में 25% लगभग, कोई 22 कहते हैं, कोई 23 कहता है, कोई 24, कोई 25, लेकिन आप ये सेफली मान के चलें कि 20% से ऊपर यूक्रेन का इलाका जो है वो रूसी कब्जे में है। इसराइल के हर काम में अमेरिका शरीक और अमेरिका के हर काम में इसराइल शरीक, दोनों एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। और हर साल अमेरिका इसराइल को 3.8 अरब US डॉलर का डिफेंस एड देता है। वेपन्स की शिपमेंट जानी थी, यानी हथियारों का शिपमेंट इसराइल जाना था, सब चले गए, एक रह गया, और जो एक रह गया वो बड़ा अहम था, और उसमें थे बॉम्ब्स, और एक महीने से वो रुका हुआ है। और इसराइल के प्रधानमंत्री को आवारा गुस्सा, लोगों ने हथियार उठाया, तालिबान के खिलाफ लड़ा, अमेरिका एक दिन चला गया। अब वो लोग जिनको अमेरिका ने वादा करा था वो दर दर भटक रहे हैं, तालिबान उनको खोज रहा है, एक एक करके उनकी ठंडा कर रहा है। ये बात ना इसराइल को समझ में आ रही है ना मेजर गौरावारिया को समझ में आ रही है कि भाई एक बात बताओ, तुम बॉम्ब रोक रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो गाजा में इस्तेमाल होंगे, जो F-15 तुम बेच रहे हो ये कहां पे इस्तेमाल होंगे? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरावारिया और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन समाचार। इसराइल और अमेरिका की दोस्ती की दोस्तों लोग कसमें खाते हैं, आज से नहीं 70-75 साल से, जब से मॉडर्न इसराइल बना है आफ्टर यूएन रेजोल्यूशंस, तब से अमेरिका और इसराइल ऐसे हैं। इसराइल के हर काम में अमेरिका शरीक और अमेरिका के हर काम में इसराइल शरीक, दोनों एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। और हर साल अमेरिका इसराइल को 3.8 अरब US डॉलर का डिफेंस एड देता है, 3.8 बिलियन US डॉलर्स एड। ये खरीदारी नहीं है, ये गिफ्ट है, हर साल यूएस इतने गिफ्ट दे देता है कि भाई आपके लिए तोहफा है, ये आपको वापस नहीं करना, आपको इसकी ईएमआई नहीं देनी, आपको इसका इसकी कीमत नहीं चुकानी, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है आपको। इसके ऊपर अगर कुछ खरीदना चाहता है इसराइल तो वो चीज़ भी फराहम की जाती है, उस चीज़ के लिए कभी मनाही नहीं होती, ये दोस्ती है। अब दोस्तों इस दोस्ती में हल्की सी दरार दिखने में आ रही है और लोग बड़े चिंतित हैं जो कि इसराइल और यूएस के मामले को ध्यान से देखते हैं। दे आर वेरी वरिड कि बॉस ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैटर कुछ ऐसा है कि वेपन्स की शिपमेंट जानी थी, यानी हथियारों का शिपमेंट इसराइल जाना था, सब चले गए, एक रह गया, और जो एक रह गया वो बड़ा अहम था, और उसमें थे बॉम्ब्स, और एक महीने से वो रुका हुआ है। और इसराइल के प्रधानमंत्री को अब आ रहा है गुस्सा, और वो कह रहा है यार एक बात बताओ, हम तो तुम्हारे क्लोजेस्ट एलाय हैं, सबसे करीबी हैं तुम्हारे, हर चीज में सबसे करीबी हैं, तो तुम हमारी शिपमेंट क्यों रोक रहे हो? हम तो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर आवर लाइव्स, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है, उनका स्टेटमेंट है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या, मैटर क्या ही है। ये देखिए साहब, सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज इसमें यह है कि यूएस ने एक डाउनग्रेड कर दी इसराइल के साथ मीटिंग, वो मीटिंग थी ईरान के बारे में और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के बारे में। तो वो मीटिंग थी जिसमें इसराइल के एक डेलीगेशन को जाना था अमेरिका, अ डेलीगेशन ऑफ इसराइल, उसमें स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के मिनिस्टर रॉन डर्मर उनको जाना था और एक पूरी टीम को जाना था, और अमेरिका में बड़े भारी डिस्कशन हो रहे थे। लेकिन बीच में जब बेंजामिन नेतन्याहू ने तनकीद करी, क्रिटिसिज्म करा इजरायली सरकार का, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, फट से बोला कि नहीं एक ही बंदा आएगा। अब वहां पर जा रहे हैं सब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड जाची हेनिगबी और USNSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन के बीच में अब बातचीत होगी। ये हुआ कैसे यार? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तो लंबे लंबे गाने थे, ये हुआ क्या? देखिए, हुआ ये कि अमेरिका जो है, एक तो अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी अलाय है नहीं, ये मैं खुद आपसे बोल रहा हूं,
अमेरिका जब आपको चढ़ाएगा तो आपको ऐसा चढ़ाएगा कि आपको लगेगा कि आप ही पतंग हैं, बाकी सब पत्थर हैं, आप ही पतंग हैं, आप ही पंछी हैं, आप ही चील हैं, आप उड़ रहे हैं आसमान में, बाकी सब बेवकूफ़ हैं जिनको कुछ नहीं आता। और एक दिन अमरीका अचानक अपना हाथ ऐसे पीछे खींचेगा कि आप धड़ाम से ज़मीन पर गिरेंगे। यही अमरीका ने ज़ेलेंस्की के साथ करा। ज़ेलेंस्की के साथ क्या करा? जब ऐसा लग रहा था कि रूस इन्वेड करेगा, और ये फरवरी से पहले की बात है दोस्तों, ये तो फरवरी 23 फरवरी 24 में पूरा चक्कर हुआ है कि घुस गए वो लोग रशियंस वहां पे, उसके पहले भी अमेरिकन्स ने खूब बोला कि आप चिंता मत करो, कौन सा ऐसा हथियार है अमेरिका के पास जो हम यूक्रेन को नहीं देंगे, कितने पैसे हैं जो यूक्रेन को चाहिए, उससे ज्यादा देंगे, उससे कम नहीं देंगे, बोलो बस तुम लड़ जाओ, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। चढ़ गया ज़ेलेंस्की सूली पे, पीछे देखा अमरीका गायब। अमरीका ने कुछ समय तक पैसे तो दिए यूक्रेन को, लेकिन धीरे 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 वो पैसे कम करता चला गया। आज की तारीख में 25% लगभग, कोई 22 कहते हैं, कोई 23 कहता है, कोई 24, कोई 25, लेकिन आप ये सेफली मान के चलें कि 20% से ऊपर यूक्रेन का इलाका जो है वो रूसी कब्जे में है। और अमरीका कह रहा है यार हमारे ना कुछ ऐसे कानून हैं जिनकी वजह से एड रुका हुआ है, जिनकी वजह से पैसा रुका हुआ है। और ज़ेलेंस्की अपना मत्था मार रहा है कि यार तुमने बोला लड़ लो हम हेल्प करेंगे, अब तुम हेल्प नहीं कर रहे, वहां पे हमारी लड़ाई छिड़ गई है, ये तो खा जाएंगे, हम तो हार जाएंगे, यूक्रेन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका टस से मस नहीं हो रहा। यही अमेरिकन्स ने करा था अफगानिस्तान में, जहां पे अफगानों को बोला था कि तुम तालिबान से भिड़ जाओ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, जब मौका आएगा हम जहाजों में भर के तुम्हें, तुम्हारे पूरे खानदान को ले जाएंगे, अमेरिका की सिटीजनशिप देंगे, तुम्हें घर देंगे, तुम्हें गाड़ी देंगे, तुम्हारे बच्चों की तालीम, एजुकेशन, शिक्षा, इसके बारे में पूरी फिक्र करेंगे, ध्यान रखेंगे, हमें चिंता होगी इस चीज की, और हम तुम्हें नौकरियां देंगे और तुम ऐश और आराम की जिंदगी अमेरिका में। इन लोगों ने हथियार उठाया, तालिबान के खिलाफ लड़ा, अमेरिका एक दिन चला गया। अब वो लोग जिनको अमेरिका ने वादा करा था वो दर दर भटक रहे हैं, तालिबान उनको खोज रहा है, एक एक करके उनकी ठंडा कर रहा है। अब इसराइल की बारी। ये अमेरिकन्स ने क्या करा, देखिए अमेरिकन्स ने उनका विदहोल्ड कर दिया, गुस्सा हो गए नेतन्याहू, जाहिर सी बात है लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉ पियर, आई थिंक दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इन्होंने कंफर्म करा कि एक शिपमेंट बॉम्ब्स में पॉज है, बाकी सब हम आपको दे ही रहे हैं, और फिर बोला कि हमें सच में नहीं पता है किस बात की बात है, कौन सी बात है इनकी, हमें नहीं पता। यानी कि अमेरिकन व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉ पियर यह कह रही है कि नेतन्याहू क्या बोल रहा है हमें पता ही नहीं, वी डोंट नो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, हमें नहीं पता, राइट? मैं चाहता हूं आप एक छोटा सा वीडियो देखें, ये वाला, ये नेतन्याहू का वीडियो है जो नेतन्याहू ने जारी करा है, और नेतन्याहू इसमें ये बोल रहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने मुझे कुछ वादे करे थे, देखिए वीडियो। When Secretary Blinken was recently here in Israel, we had a candid conversation. I said I deeply appreciated the support the US has given Israel from the beginning of the war. But I also said something else. I said it's inconceivable that in the past few months, the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran and our other common enemies. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bottlenecks. I certainly hope that's the case. It should be the case. During World War II, Churchill told the United States, give us the tools, we'll do the job. And I say, give us the tools and we'll finish the job a lot faster. दोस्तों आपने देखा, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने मुझे बोला था कि हम दिन और रात मेहनत करके जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे और हम आपको वो वेपन्स देंगे, वो बॉम्ब देंगे, लेकिन वो कहां है मुझे नहीं पता। और फिर इन्होंने विंस्टन चर्चिल का हवाला दिया जो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका हवाला दिया और बोला वही बात जो विंस्टन चर्चिल ने अमेरिकन को बोली थी, वही बात नेतन्याहू ने भी अमेरिकन को बोली, और बोला था कि विंस्टन चर्चिल ने लड़ाई के दौरान बोला था गिव अस द टूल्स वी विल डू द जॉब, विंस्टन चर्चिल ने अमेरिकन को बोला कि आप हमें औजार दीजिए काम हम कर देंगे, औजार यहां पर मतलब हथियार, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप हमें औजार दीजिए काम हम जल्दी निपटा देंगे। अब देखिए, लास्ट मंथ यूएस ने पॉज करा था फर्स्ट म्यूनिशंस डिलीवरी टू इसराइल, डिलेइंग थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब, हजारों बॉम्ब थे उसमें, यूएस ने रोक दिया उसको, अब
मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको $3.8 billion का एनुअल एड देता है डिफेंस का यूएस इसराइल को। इसके अलावा इसराइल ने रिसेंटली पास कराया है $14 billion का सपोर्ट बिल, कि हम भाई आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट बिल इन्होंने पास करा है। और इसके अलावा यह बोला है कि $18 अरब के 50 F-15 जेट्स टोटल वर्थ ऑफ $18 billion हम आपको बेचेंगे। यह बात ना इसराइल को समझ में आ रही है ना मेजर गौरावारिया को समझ में आ रही है कि भाई एक बात बताओ, तुम बॉम्ब रोक रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो गाजा में इस्तेमाल होंगे, जो F-15 तुम बेच रहे हो ये कहां पे इस्तेमाल होंगे, ये कहां पे इस्तेमाल होंगे, ये पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगे, ईरान में इस्तेमाल होंगे, ये भी तो गाजा में ही होने हैं, ये कहां पे होंगे, श्रीलंका जाएंगे, मालदीव जाएंगे, कहां जाएंगे। तो ये सब दोस्तों बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ यू नो अमेरिकन मेथड है प्रेशराइज करने का, और पुरानी दोगली पॉलिसी अमरीका की कि जो अमरीका पर भरोसा करेगा अमेरिका उसको टाइट करने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसी चीज करेगा अमेरिका कि एक चीज रोक लेगा आदमी तड़पता रहेगा। इसीलिए दोस्तों आज की तारीख में भी ऐसे कई सीनियर अधिकारी हैं जिनका मैं नाम यहां पे लेना ठीक नहीं समझता, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन उनका भी ये मानना है अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है और अमेरिकन हमारे दोस्त भी हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलते नहीं हैं, वो आपको क्लियरली ऐसे वर्ड्स में नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके शब्दों से आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि दे डोंट ट्रस्ट अमेरिका। उनको ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका पे आंख बंद करके भरोसा करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।